कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की है। तेल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सिर्फ कोविड पाबंदियों के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लंबी कतारें नहीं लग रही हैं। अपने शहर में पेट्रोल डीजल के दरें देखिए, आप खुद असल वजह जान पाएंगे। और इस बीच आज कैबिनेट की बैठक में यह माना जा रहा है कि तेल की बढ़ती कीमतों पर कोई चर्चा हो सकती है। और 4 मई के बाद से 33वीं बार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु और लद्दाख के बाद अब बिहार के कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। इसके अलावा मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक बिक रहा है। बिहार के कई शहरों में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है और इसके ऊपर राहुल गांधी का वार लगातार। और राहुल गांधी ने ट्वीट कर क्या कहा है जरा वो भी देख लेते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं कि सिर्फ कोविड पाबंदियों के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लंबी कतारें नहीं लग रही हैं। ये अपने ट्वीट में पहली लाइन राहुल गांधी ने लिखी है और उसके बाद वो लिखते हैं कि अपने शहर में पेट्रोल डीजल की दरें देखिए, आप खुद असल वजह जान जाएंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल शतक पार कर चुका है और जिसके चलते आम इंसान, जो गरीब जनता है, वो दो पहिया वाहन भी नहीं चला पा रही है, वो पेट्रोल महंगाई की वजह से नहीं खरीद पा रही है, जिसके चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल उन्हें मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो राहुल गांधी का एक बार फिर से केंद्र सरकार पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर निशाना। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, डे वन से तमाम राज्यों की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई दे रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब देश की राजधानी दिल्ली में भी शतक लगाएगा पेट्रोल डीजल, बहुत करीब है। और रोजाना बढ़ते दामों ने आम जनता का, गरीब आवाम का दम निकाल दिया है और इसी बात को राहुल गांधी ने निशाने के रूप में लेते हुए ट्वीट में लिख दिया है कि ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, ये रीजन मात्र कोविड नहीं है, इसके पीछे की बड़ी वजह ये है। जरा अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल का हाल आप देख लीजिए, इस वजह से ये लंबी लंबी कतारें लग रही हैं।